वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त माइंड ब्लोइंग सस्पेंस से भरी पड़ी मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है 21 ग्राम्स। टाइटल को देखकर आप गोल्ड के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि गोल्ड का जी तक नहीं इसमें। इस टाइटल का मतलब क्या है यह हमको लास्ट में पता चलेगा। अब मूवी के बारे में बात करें तो जैसा मैंने कहा, गजब मूवी है। मूवी एंड तक सस्पेंस में ही चलती रहती है। ऑडियंस को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि असली कातिल कौन है। कभी ऑडियंस इस पर शक करते हैं, कभी उस पर, लेकिन जब क्लाइमैक्स रिवील होता है, ओ भाई साहब, इट्स माइंड फ्रेकिंग। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत मजा आएगा। बीच बीच में काफी सारे ट्विस्ट भी है। हालांकि ये मूवी 2 घंटे की है, लेकिन काफी सारे लूप होल्स है, मतलब स्टोरी लंबी है और शायद वीडियो भी लंबी हो सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक अनजान बंदा अपनी कार में जाते हुए अपने दूसरे फोन को ऑन करता है किसी को कॉल करने के लिए। वो फोन ऑन होते ही पुलिस वाले इस फोन को ट्रैक करने लगते हैं, उस बंदे का लाइव लोकेशन पता करने के लिए। उसके बाद वो कार वाला बंदा किसी से फोन में बात करके उस फोन को दोबारा स्विच ऑफ कर लेता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले इसको ट्रैक नहीं कर पाते। तभी इस बंदे की कार ब्रेक डाउन हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती, और तभी इसी बंदे की कार के सामने एक और कार खड़ी होती है। उस कार में का एक बंदा इस बंदे के पास आकर दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है, और यहाँ पर यह सीन कट होता है। दूसरे सीन में गौरी नाम की एक औरत अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड करने वाली होती है। तभी वहाँ पर इसका पति नंदा आता है, अपने वाइफ को बचा लेता है। रिसेंटली नंदा और गौरी की बेटी इस दुनिया से चली गई, जिसकी वजह से बेचारी गौरी बहुत अपसेट हो जाती है। इसी की वजह से ये सुसाइड करने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद नंदा का एक फ्रेंड नंदा से मिलने के लिए उसके घर आता है। नंदा का नेबर कहने लगता है कि वो लोग तो वेकेशन पे गए हैं, कुछ दिनों बाद लौटेंगे। ये सुनने के बाद वो बंदा अपनी गाड़ी लेकर अपने घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही इस बंदे को हार्ट अटैक आकर ये बंदा मर जाता है। उसके बाद DYSP नंदा सनी नाम के एक पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए आता है, और एक्चुअली बात यह है कि शहर में कुछ मर्डर्स हुए हैं। उन मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन एक लोकल पुलिस ऑफिसर CA श्रीनिवासन इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल भी कर ली थी, लेकिन एक पॉइंट पे आकर स्टक होके रह गया, जिसकी वजह से हायर ऑफिसर्स इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंपती है। आज के बाद से इन मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन DYSP नंदा करने वाला है। नंदा सन्नी के पास से वो फाइल ले जाकर स्टडी करने लगता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले अंजलि नाम की एक लड़की का मर्डर हो गया उसी के घर में। अब अंजलि के बारे में बात करें तो अंजलि एक हॉस्पिटल में काम करती थी। इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। इसका एक अंकल होता है जो चर्च का फादर है, और इसी तरह अंजलि का एक भाई है जिसका नाम है मार्टिन, जो फिलहाल अमेरिका में है। अंजलि के माँ बाप मरने के बाद वो फादर ही मार्टिन और अंजलि की देखरेख की थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान श्रीनिवासन CSJ हॉस्पिटल जाता है, मतलब वहीं पर अंजलि काम किया करती थी। उस हॉस्पिटल में निखिल नाम का एक बंदा होता है। निखिल से अंजलि के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेता है। उसके बाद पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर श्रीनिवासन से कहने लगता है कि अंजलि को मर्डरर ने गला काट के मार दिया, और वेपन शायद बहुत ही थिन वेपन हो सकता है। और इसी तरह अंजलि पर कोई अत्याचार भी नहीं हुआ, मतलब स्ट्रगलिंग के कोई मार्क्स भी नहीं थे। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि अंजलि के पेट में एक प्लास्टिक कैप्सूल को पाया गया। उस कैप्सूल के अंदर एक छोटा सा पेपर है, उस पेपर के अंदर ये लिखा होता है, फॉर मार्टिन। अंजलि मरने के दूसरे दिन ही अंजलि का भाई मार्टिन अमेरिका से इंडिया आता है, और जब मार्टिन और उसका दोस्त जिम्मी एयरपोर्ट से अपने घर जा रहे होते हैं, एक ओल्ड मॉडल कॉन्टेसा कार मार्टिन को फॉलो करती रहती है। खैर, रात होने के बाद जब मार्टिन अपने कमरे में सो रहा होता है, दोबारा वही कार मार्टिन के घर के बाहर आती है। यह आवाज सुनने के बाद मार्टिन अपनी नींद से जाग जाता है, और उस कमरे में जाता है जिस कमरे में अंजलि की मौत हुई थी। तभी पीछे से एक अनजान बंदा आकर मार्टिन पर हमला करता है। वो बंदा मार्टिन को मार के वहीं पर उसकी लाश को जला देता है, और यहाँ तक नंदा इस फाइल की स्टडी करता है। उसके बाद गौरी का भाई विनय दुबई से इंडिया आता है। बातों ही बातों में गौरी अपने भाई से कहने लगती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, यहाँ पर तुम अपने मास्टर्स कर सकते हो। लेकिन विनय अपनी बहन से कहने लगता है, नहीं दीदी, नेक्स्ट मंथ मैं दुबई वापस लौट जाऊंगा। इस तरफ नंदा और सन्नी ये दोनों उस पोस्टमार्टम डॉक्टर से मुलाकात करते हैं, मतलब मार्टिन के मौत के बारे में पूछने के लिए। डॉक्टर कहने लगता है कि मार्टिन के मर्डर केस में किलर और मार्टिन के बीच हाथापाई हुई थी, लेकिन अंजलि के केस में नहीं। और इसी तरह मार्टिन के पैर में एक स्टील रॉड लगा हुआ था। उसके बाद जब नंदा अपने घर जाता है, नंदा को ये बात पता चल जाती है कि विनय यहाँ पर सिर्फ एक महीने के लिए ही आया है। अब नंदा और गौरी की बेटी इस दुनिया से चली गई। ये दोनों अपने आप को काम में बिजी रखकर अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। लेकिन इसी दरमियान में विनय इनकी फैमिली में आया, मतलब इस घर में एक तीसरा बंदा ज्वाइन हुआ। विनय को समझाने लगता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, तो विनय मान जाता है।
कि वो यहीं पर रहकर अपने मास्टर्स की पढ़ाई करेगा। यह सुनने के बाद गौरी बहुत खुश होती है। उसके बाद नंदा अपने ऑफिस आकर सन्नी से यह सवाल पूछने लगता है कि श्रीनिवासन के इन्वेस्टिगेशन में श्रीनिवासन ने एक बंदे को प्राइम सस्पेक्ट बनाया, वो बंदा कौन है। सन्नी कहने लगता है, सर वो बंदा और कोई नहीं, मार्टिन का फ्रेंड जिम्मी है। नंदा पूछने लगता है, जिम्मी ही क्यों? सन्नी कहने लगता है, देखिए सर, मार्टिन और जिम्मी ये दोनों दोस्त होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर्स भी है। बहुत दिनों से एक बिजनेस को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। हर वक्त जिम्मी मार्टिन को इंडिया बुला रहा था, लेकिन मार्टिन इंडिया आना नहीं चाहता। इसीलिए शायद मार्टिन को इंडिया बुलाने के लिए जिम्मी ने अंजलि को मार दिया। और यहाँ पर एक और पॉइंट ये है सर कि मर्डरर ने दरवाजा तोड़ के अंदर नहीं आया था, अंजलि ने खुद दरवाजा ओपन किया, जिसका मतलब अंजलि मर्डरर को जानती थी। तो इसीलिए हमारे नजर में जिम्मी प्राइम सस्पेक्ट है। यह सुनने के बाद नंदा सन्नी के साथ जिम्मी से मुलाकात करने के लिए जाता है। जिम्मी से मार्टिन और उसकी रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगता है। जिम्मी कहने लगता है कि मैं और मार्टिन क्लासमेट्स है, मार्टिन पढ़ाई में अच्छा था इसलिए वो अमेरिका चला गया और मैं यहीं पर रहकर बिजनेस स्टार्ट किया। अब मेरे बिजनेस के लिए एक पार्टनर चाहिए था, इसलिए मैंने मार्टिन को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया। एक्चुअली मेरे 3 रेस्टोरेंट है, 6 महीनों पहले एक रेस्टोरेंट को रिसेंटली बेच दिया और उसका हिस्सा मैंने मार्टिन को दिया, लेकिन डील करने में मार्टिन बहुत ही बचकानी हरकतें कर रहा था। तभी नंदा कहने लगता है, इसीलिए तुमने मार्टिन को इंडिया बुलाने के लिए अंजलि को मार दिया, उसके बाद मार्टिन को भी मार दिया। यह सुनने के बाद जिम्मी नंदा पर बहुत गुस्सा होने लगता है कि आप बार बार मुझ पर ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते, मैंने अपना स्टेटमेंट सीए श्रीनिवासन को दे दिया, प्लीज आप जाइए यहाँ से। उसके बाद नंदा अपने सुपीरियर एसपी रेचल के पास जाता है केस के डिटेल्स बताने के लिए। नंदा कहने लगता है कि अंजलि के क्राइम स्पॉट पर 2 लोगों के फुटप्रिंट्स पाए गए, ऑफकोर्स जिसका मतलब अंजलि को 2 लोगों ने मारा, और उसी तरह अंजलि के क्राइम स्पॉट पर एक सिगरेट पाई गई। फॉरेंसिक वालों ने उस सिगरेट की मदद से डीएनए प्रोफाइल को हासिल कर लिया, लेकिन मार्टिन के केस में एक ही बंदा मार्टिन को अटैक किया, उसे मार दिया। वहाँ पर कुछ ब्लड सैंपल्स पाए गए। जब फॉरेंसिक वाले इस ब्लड सैंपल और सिगरेट के डीएनए को मैच किया तो वो मैच हो गए, मतलब अंजलि को मारने में जो 2 लोग आए थे उनमें से एक बंदा मार्टिन को मार दिया, और उन दोनों में से एक बंदा जिम्मी हो सकता है और दूसरा बंदा कोई गुंडा। अगर हम शहर के कुछ लोकल गुंडों से पूछेंगे तो शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो रेचल इसके लिए प्रोसीड कह देती है। उसके बाद नंदा उसकी टीम एक बार जाकर मुर्गन नाम के एक बंदे को क्राइम ब्रांच उठा ले आते हैं। नंदा मुर्गन से पूछने लगता है कि बताओ तुमने मार्टिन और अंजलि का कत्ल क्यों किया, किसके कहने पर किया? जिम्मी के कहने पर। मुर्गन कहने लगता है, सर आप किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, और मैंने कब का जिम्मी के लिए काम करना बंद कर दिया। हाँ, एक बंदा जिम्मी के लिए काम करता है, टिप्पर टोनी। रिसेंटली मैंने जिम्मी को टोनी के घर से बाहर आता हुआ देखा, कहने लगा था कि टोनी से कुछ काम था। नंदा पूछने लगता है, क्या टोनी के पास कॉन्टेसा कार है? मुर्गन कहने लगता है, हाँ सर उसके पास एक पुरानी मॉडल कार है, लेकिन कुछ दिनों से टोनी नजर नहीं आया सर। और उसके बाद नंदा उसकी टीम टोनी के घर जाते हैं। उसकी बीवी कहने लगती है कि बहुत दिनों से टोनी इसके घर नहीं आया। खैर जो भी हो, फॉरेंसिक वाले टोनी के घर में जाकर कुछ डीएनए सैंपल्स को हासिल कर लेते हैं। पुलिस वाले उस गाड़ी के पेपर्स को चेक करते हैं, उसके घर की तलाशी लेते हैं। सनी जिम्मी की फोटो दिखाकर उस औरत से पूछने लगता है, क्या तुम इस बंदे को जानती हो? वो औरत कहने लगती है, हाँ क्यों नहीं जानती, बहुत अच्छे सार है ये, जब जब इन्हीं की लॉरी चलाता है टोनी, बहुत सारे पैसे देते हैं ये सर, और जब टोनी का एक्सीडेंट होकर हॉस्पिटल में था उस वक्त भी ये सर आकर हमारी बहुत हेल्प की थी। उसके बाद फॉरेंसिक वाले टोनी के डीएनए से और अंजलि मार्टिन के क्राइम स्पॉट पर जो डीएनए पाए गए उससे मैच करने लगते हैं। तो इत्तेफाक से इट्स ए मैच, मार्टिन और अंजलि के मरने में टोनी का हाथ है। और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने पर नंदा को ये बात पता चलती है कि टोनी काफी सारे फेक सिम कार्ड्स को यूज किया। कुछ दिनों पहले ही उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, मतलब जब अंजलि की डेथ हो गई थी। नंदा अपनी टीम से कहने लगता है कि तुम हर एक नंबर को हासिल करके उसकी कॉल हिस्ट्री निकालो और देखो टोनी ने अंजलि के डेथ के वक्त किस किस को कॉल किया। तो नंदा की टीम उसी काम में लग जाती है, और उसी तरह पुलिस वाले हर एक गली में टोनी की फोटो चिपका देते हैं कि यह बंदा वांटेड है। उसी रात टोनी की वो वॉल पोस्ट जिम्मी देखता है, थोड़ा घबराने लगता है। खैर और इन्वेस्टिगेशन करने पर यह बात पता चलती है कि जिस दिन अंजलि मरी थी उस दिन टोनी ने रात 10 बजे अपने फेक सिम कार्ड से एक और फेक सिम कार्ड को कॉल किया। ऑफ कोर्स वो नंबर जिम्मी का ही हो सकता है, और उन दोनों का लोकेशन एक ही होटल के पास दिखा रहा है। मतलब जिम्मी का बयान यह होता है, जिस दिन अंजलि मरी थी जिम्मी एक पार्टी में शामिल था। और कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करके नंदा अपनी सुपीरियर रेचल के पास जाता है केस की अपडेट देने के लिए। कहने लगता है कि मैम जिस दिन अंजलि मरी थी जिम्मी ने टोनी को कॉल किया, टोनी ने जिम्मी को कॉल किया, ऑफ कोर्स फेक नंबर से। उस रात अंजलि का मर्डर 12 से 12:30 बजे के दरमियान में हुआ था। 11 बजे के बाद जिम्मी और टोनी ये दोनों अंजलि के घर के पास आए,
मतलब भाई साहब उन दोनों का टोवर लोकेशन दिखा रहा था। अंजलि के घर के पास आने के बाद इन दोनों ने अपने फोन को स्विच ऑफ कर लिया। रेचल पूछने लगती है कि टोनी ने जिम्मी के फेक सिम कार्ड को कॉल किया, ये हम प्रूफ कैसे करेंगे। नंदा कहने लगता है ये हम कभी भी प्रूफ नहीं कर सकते मैडम, लेकिन एक छोटी सी होप है। हर एक मोबाइल का IMEI नंबर होता है, जब कभी भी जिम्मी या टोनी नए सिम को उस फोन में इंसर्ट करेंगे, जो वो फोन ऑन होगा तब हम उसका लोकेशन पता कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन मैम यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या 11 बजे के बाद जिम्मी उसी पार्टी में शामिल था या नहीं, क्योंकि 11 बजे के बाद उस पार्टी में जो जो कैमरास थे वो सारे के सारे ऑफ है, और ऐसा कोई भी एंगल नहीं जिस एंगल से हम जिम्मी को देख सकते हैं 11 बजे के बाद। अगर हमने ये प्रूफ कर लिया कि 11 बजे के बाद जिम्मी उस पार्टी में शामिल नहीं था, तो जिम्मी ही असली कल्प्रिट है। उसके बाद नंदा और सन्नी ये दोनों निखिल के पास जाते हैं। एक्चुअली उस रात उस पार्टी में निखिल भी मौजूद था। निखिल से उस पार्टी में जो जो लोग आए थे उसकी लिस्ट मांगता है नंदा, और उसी तरह 11 बजे के बाद किसी भी तरह की वीडियोस मिल जाए तो वो अरेंज करने के लिए कहता है। निखिल भी नंदा को ओके कह देता है। उसके बाद जब नंदा और सन्नी अपने ऑफिस आते हैं, नंदा सन्नी को समझाने लगता है कि एक्चुअली अंजलि का गला राइट से लेफ्ट काटा गया, जिसका मतलब मर्डरर लेफ्ट हैंडेड है। और शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पर ना ही जिम्मी लेफ्ट हैंडेड है ना ही टोनी, मर्डरर कोई और हो सकता है। और उसी तरह सन्नी तुम अंजलि के क्राइम फोटोज को देखो, अंजलि मरने के बाद ब्लड स्प्रेड हुआ और ब्लड के ऊपर पेपर्स थे, पेपर्स के ऊपर फुटप्रिंट्स, जिसका मतलब अंजलि को मारने के बाद उन लोगों ने अंजलि के घर में कुछ तलाश किया। हाँ मैं जानता हूँ कि जिम्मी सस्पेक्ट है, लेकिन प्राइम सस्पेक्ट नहीं, क्योंकि अब तक कोई भी एविडेंस जिम्मी के खिलाफ नहीं, सारे एविडेंस जिम्मी के फेवर में है। सन्नी पूछने लगता है तो सर फिर इस मैसेज का क्या मतलब है फॉर मार्टिन। नंदा कहने लगता है इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे, जब सही टाइम आएगा खुद ब खुद इसका आंसर पता चल जाएगा। तभी नंदा की एक टीम मेंबर उस पार्टी में का एक वीडियो हासिल करके नंदा के पास आती है। उस वीडियो को प्ले करने पर यह बात पता चलती है कि 11 बजे के बाद जिम्मी उसी पार्टी में शामिल था, और उसी तरह जिम्मी ये देखता है कि उस पार्टी में एक वीडियोग्राफर भी है। निखिल के स्टेटमेंट के हिसाब से 11 बजे के बाद सारे वीडियोग्राफर्स उस पार्टी से चले गए, तो निखिल ने यहाँ पर झूठ क्यों कहा। सनी फटाफट से तुम निखिल को हमारे ऑफिस बुलाओ। सो इस तरह से जब निखिल अपने घर जा रहा होता है, सनी निखिल को कॉल करके क्राइम ब्रांच आने के लिए कहता है। बातों के दरमियान निखिल सामने वाली गाड़ी को ठोकने ही वाला होता है, अपनी गाड़ी को घुमा लेता है, मतलब निखिल का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। जब निखिल नंदा के पास आता है, नंदा और सनी निखिल को अपने जाल में फंसाने लगते हैं। कहने लगते हैं कि निखिल हम जानते हैं कि इस केस में जिम्मी प्राइम सस्पेक्ट है, लेकिन जिस तरह से आपने हमारी हेल्प की थी, क्या आपके नज़र में और कोई लोग है जो हमारी हेल्प करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे। निखिल कहने लगता है हाँ सर मैं कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट्स आपको दूंगा, आप इनसे बात कर लीजिए। ऐसा कहते हुए निखिल पेन को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ता है, जिसका मतलब निखिल लेफ्ट हैंडेड है। ये देखने के बाद नंदा और सनी के तो होश ही उड़ जाते हैं। निखिल जाने के बाद फौरन वहाँ पर फॉरेंसिक टीम आती है, निखिल के फुटप्रिंट्स को मैच करने लगती है। एग्जामिनेशन करने पर यह बात पता चलती है कि अंजलि के क्राइम स्पॉट पर जो फुटप्रिंट्स पाए गए वो निखिल के फुटप्रिंट से मैच होते हैं। ये जानकर नंदा सन्नी से कहने लगता है देखा सन्नी आप कौन प्राइम सस्पेक्ट है, जिम्मी या निखिल। निखिल भी उसी पार्टी में मौजूद था, वो भी फेक सिम कार्ड यूज कर सकता है। इस तरफ जब निखिल अपनी गाड़ी में जा रहा होता है, निखिल अपने दूसरे फोन को ऑन करता है। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया। जब निखिल अपने दूसरे फोन को ऑन करता है, पुलिस इस फोन को ट्रैक करने लगती है। उस वक्त निखिल एक बंदे से बात करके उस फोन को स्विच ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस ट्रैक नहीं कर पाती। उसके बाद निखिल ये देखता है कि एक बंदा निखिल को फॉलो कर रहा है, और यह बंदा और कोई नहीं, अभी थोड़ी देर पहले निखिल जिस बंदे को ठोक रहा था अपोजिट साइड से, वही कार निखिल को फॉलो करती रहती है। लेकिन निखिल किसी भी तरह करके उस बंदे से बच जाता है, एक सुनसान रास्ते से गुजरने लगता है। तभी निखिल की गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, रुक जाती है, और तभी निखिल के गाड़ी के सामने वो पुरानी मॉडल कॉन्टेसा कार होती है। उस गाड़ी में से एक बंदा उतरकर निखिल के पास आता है, इसका दरवाजा खटखटाता है, और यहाँ पर सीन कट होता है। दूसरे दिन नंदा और सन्नी को ये बात पता चलती है कि निखिल की डेथ हो गई। मरने से पहले निखिल ने अपने दूसरे फोन से एक बंदे को कॉल किया था ना, नंदा उस वॉइस ऑडियो को सुनने लगता है। निखिल उस बंदे को कॉल करके ये बताया था कि पुलिस टोनी की तलाश कर रही है, और मुझे भी नहीं पता कि टोनी कहाँ पर गया, हर जगह पर मैंने छानबीन कर ली। दूसरा बंदा कहने लगता है जिसका मतलब इस गेम में तीसरा बंदा शामिल हुआ, जो भी हो तुम थोड़ा संभल के रहना और दोबारा मुझे कॉल मत करना। सो इन ऑडियोस को सुनने के बाद नंदा सन्नी से कहने लगता है, निखिल की बातों से ही पता चलता है कि वो लोग भी टोनी की तलाश में है, और हम पुलिस वाले भी टोनी की तलाश में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टोनी कहाँ पर है। अगर मेरा शक सही निकला तो टोनी मर चुका है,
क्योंकि निखिल की बातों से ही एक और बात पता चलती है कि इस गेम में तीसरा बंदा शामिल हुआ, और वो तीसरा बंदा कौन हो सकता है? अंजलि और मार्टिन का करीबी दोस्त। निखिल और टोनी ने अंजलि और मार्टिन को मार दिया, तो उस तीसरे बंदे ने रिवेंज लेने के लिए टोनी को ढूंढ के मार दिया। अब हमको इस तीसरे बंदे की तलाश है, और हम लोगों को एक और बंदे को भी ढूंढना है कि कल रात निखिल ने किस बंदे को कॉल किया। उसके बाद नंदा फादर जोसेफ के पास जाता है, वही अंजलि का अंकल। पूछने लगता है कि जिम्मी और मार्टिन के बीच कैसा रिलेशनशिप था। कहने लगता है कि वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त है, बिजनेस में तू तो मैं होती थी, लेकिन वो दोनों बहुत क्लोज थे। अमेरिका में मार्टिन का पैर फ्रैक्चर हो गया था, ये बात मुझे नहीं पता थी, ये बात जिम्मी को पता थी। इतना क्लोज थे वो दोनों। इसी दरमियान में नंदा वहाँ पर अंजलि की एक फोटो को देखता है। उस फोटो में जिम्मी, मार्टिन, अंजलि, फादर होते हैं। फादर कहने लगता है कि अंजलि को लेवेंजर्स फ्लावर्स बहुत पसंद थे। नंदा पूछने लगता है कि अंजलि का कोई बॉयफ्रेंड था। फादर कहने लगता है, जहाँ तक मुझे पता है अंजलि का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एक बार इंक्वायरी करूंगा। जाते जाते नंदा फादर से पूछने लगता है कि फादर, कल रात आप कहाँ पर थे? फादर कहने लगता है, यही पर था, क्यों, क्या हुआ? वहीं दूसरी तरफ सन्नी मार्टिन के फोन में कुछ डेटा को हासिल कर लेता है। उसमें अंजलि की एक वीडियो होती है, वो वीडियो नंदा को सेंड करता है। नंदा इस वीडियो को प्ले करने लगता है, और एक्चुअली अंजलि मरने से पहले इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था अपने भाई को भेजने के लिए। कहने लगती है कि भाई, तुम फौरन इस मैसेज को देखकर मुझे कॉल करो, बात बहुत ही सीरियस है। तुम उस बंदे को जानते हो ना, शिहाब मोहम्मद? एक दिन शिहाब मोहम्मद मुझे कॉन्टेक्ट करके मुझसे हेल्प मांगी कि हमारे हॉस्पिटल में कुछ स्कैम हो रहा है। तो मैंने शिहाब की हेल्प करने के लिए निखिल के कमरे में गई, वहाँ के कुछ डॉक्यूमेंट्स को वगैरह हासिल करके शिहाब मोहम्मद को सेंड किया। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे याद आया, उस कमरे में, उस हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरास है। यही बात मैंने शिहाब मोहम्मद को बताया, और शायद हॉस्पिटल के लोगों को मुझ पर शक हो गया। उस वक्त शिहाब अंजलि से कहा कि अंजलि, तुम घबराओ मत, मेरा एक फ्रेंड है, मैं उससे हेल्प मांगूंगा, तब तक तुम अपने घर में ही रहो। इस तरह से उस दिन शिहाब मोहम्मद नंदा के घर जाता है। लेकिन उस दिन नंदा और गौरी ये दोनों थोड़ा घूमने के लिए गए थे, अपसेट थे। और जब शिहाब मोहम्मद अपने कार में वापस अपने घर लौट रहा था, उसको हार्ट अटैक आ गया, बेचारा मर गया। सो अंजलि कहने लगती है कि भाई, उन्हीं लोगों ने शिहाब मोहम्मद को मार दिया, अब वो लोग मुझे तलाश करते हुए मेरे घर आएंगे। भाई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास ही है, और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है तुमको पता है। सो तभी अंजलि के घर में दो किलर्स आकर अंजलि को मार देते हैं। ये वीडियो देखने के बाद नंदा सन्नी को कॉल करके अंजलि के घर जाने के लिए कहता है, अच्छे से अंजलि के घर की तलाशी लेने के लिए कहता है। दो लोग अंजलि के घर जाते हैं, लेकिन घंटा इनको कुछ भी नहीं मिलता। तभी नंदा को अंजलि का वो मैसेज याद आता है, फॉर मार्टिन। और इसी तरह अंजलि के वीडियो में बैकग्राउंड में चार मार्टिन होते हैं, मतलब चार मार्टिन की फोटोज होते हैं। नंदा फौरन अंजलि के घर जाकर उस फोटो को रैप करने पर उसमें हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब उस हॉस्पिटल में कौन से स्कैम हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स, उसके रिलेटेड कुछ वीडियोस भी होते हैं पेन ड्राइव में। ये हासिल करने के बाद नंदा अपने सुपीरियर रेचल के पास जाकर केस की अपडेट देता है कि मैम, दो दिन पहले शिहाब मोहम्मद की मौत हो गई, जो हेल्थ केयर एनजीओ का सेक्रेटरी है। बात यह है कि शिहाब को उससे पहले भी हार्ट अटैक आया था, उसकी सर्जरी हुई थी। शिहाब पेसमेकर के जरिए से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, मतलब पेसमेकर वन टाइप ऑफ डिवाइस जो बॉडी के अंदर लगाया जाता है। लेकिन मैम, ये सेंसिटिव डिवाइस क्लोज रेंज से हैक किया जा सकता है। जब हॉस्पिटल के लोगों को शिहाब मोहम्मद के बारे में पता चला, शिहाब मेरे घर आके जब अपने घर जा रहा था, निखिल उसी पेसमेकर डिवाइस को हैक करके शिहाब मोहम्मद को हार्ट अटैक दिलवाया, उसकी मौत हो गई। इट्स ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और उसी तरह मैम, सीएचजी हॉस्पिटल चेयरमैन और कोई नहीं, जॉन सैमुअल है। उस रात निखिल मरने से पहले इसी जॉन सैमुअल को कॉल किया था। अब उस हॉस्पिटल के स्कैम के बारे में बात करें, जॉन ने स्वीडन बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी से हाथ मिलाया जो एंटी ड्रग बनाने का काम करती है। अब ड्रग बनाया तो टेस्टो करना पड़ेगा। सो जॉन सैमुअल उन लोगों से पैसे लेकर उस ड्रग को अपने हॉस्पिटल के पेशेंट्स पर टेस्ट करने के लिए कहा। ड्रग टेस्टिंग के दौरान 5 पेशेंट्स की मौत हो गई। यही बहुत बड़ा स्कैम उस हॉस्पिटल में हो रहा है। रेचल कहने लगती है, देखो नंदा, जॉन सैमुअल कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो बहुत बड़ी हस्ती है। जॉन सैमुअल को साइड में रखकर पहले तुम उस किलर को पकड़ो, बाद में हम जॉन को कस्टडी में लेंगे। नंदा कहने लगता है, नहीं मैम, जब जॉन इंडिया को आएगा तभी हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। रेचल इस बात के लिए मना करने लगती है। इसी बात को लेकर रेचल और नंदा के बीच तुतुमय होता है, क्योंकि जब नंदा की बेटी बीमार थी, नंदा ने अपनी बेटी को सीएचजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, शायद उसी ड्रग के कारण इसकी बेटी मर गई।
इसीलिए नंदा फटाफट से जॉन सैमुअल को गिरफ्तार करना चाहता है, लेकिन रेचल इसके लिए मना कर देती है। उसके बाद नंदा अंजलि के कब्र के पास जाता है थोड़ा बहुत कॉन्डोलेंस देने के लिए। अंजलि के कब्र के ऊपर नंदा लेवेंजर फ्लावर के बुके को देखता है जो बहुत ही फ्रेश होता है। सनी से कहने लगता है कि शायद किलर निखिल को मार के ये बुके यहाँ पर रखे गया। नंदा और सनी ये दोनों उस बुके दुकान के पास जाते हैं ये पूछने के लिए इस बुके को किसने खरीदा। सनी जिमी का फोटो दिखाकर पूछने लगता है। दुकान वाला बंदा कहने लगता है, नहीं सर, ये बंदा नहीं आया था। और हाँ सर, आज भी वो बंदा आया था, इसी बुके को खरीद के ले गया, और वो हमेशा एक पुरानी मॉडल कार में आता है। नंदा सनी से कहने लगता है कि आज जॉन सैमुअल दुबई से इंडिया आने वाला है, शायद किलर उसी को मारने का प्लान बनाया होगा, तुम फौरन कुछ लोगों को एयरपोर्ट भेजो। खैर उसके बाद नंदा अपने ऑफिस आकर निखिल के क्राइम स्पॉट के फोटोग्राफ्स को देखने लगता है। इन्हीं फोटोग्राफ्स में नंदा को एक फार्मेसी की बिल नजर आती है। सनी कहने लगता है कि सर, निखिल ऑलरेडी एक हॉस्पिटल में काम करता है, उसको इन दवाइयों की क्या जरूरत, शायद ये रिसिप्ट किलर की हो सकती है। सो उसी वक्त नंदा और सनी ये दोनों उस फार्मेसी जाते हैं और उस पेपर में एक डॉक्टर का नाम लिखा होता है। सनी उस डॉक्टर की डिटेल्स हासिल कर लेता है। तभी उसी वक्त फादर जोसेफ नंदा को कॉल करके ये बताने लगता है कि सर, मुझे अभी अभी ये बात पता चली कि कॉलेज डेज से अंजलि एक बंदे के रिलेशनशिप में थी, मैं अभी आपको उस बंदे की फोटो भेजता हूँ। जब नंदा उस बंदे की फोटो देखता है ये तो शौक में रह जाता है। वो बंदा और कोई नहीं, गौरी का भाई विनय होता है। नंदा गौरी को कॉल करके सारी बात बताता है। जब गौरी विनय के कमरे में आती है, विनय अपने कपड़े पैक कर रहा होता है। गौरी को देखकर कहने लगता है कि गौरी, मैं उसके पास जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए, हमारे बीच जो लड़ाई हुई थी वो अब सेटल हो गई। ये सुनने के बाद गौरी विनय को एक छापर लगाकर कहने लगती है, 10 दिन पहले अंजलि मर गई, क्या तुम उसी से मिलने के लिए जा रहे हो? कमान विनय, अब तो सच बताओ। इस तरफ नंदा और सन्नी उस डॉक्टर के पास आते हैं, विनय के बारे में पूछने लगते हैं। डॉक्टर कहने लगता है कि लड़का मेरे पास 2 बार आया था, बहुत डिप्रेशन में था, इसलिए मैंने इसको एंटी डिप्रेशन के टैबलेट सजेस्ट किया। बेचारा कह रहा था कि इसकी गर्लफ्रेंड मर गई। इस तरफ विनय गौरी से कहने लगता है कि कभी कभार मेरे और अंजलि के बीच बहुत झगड़ा हो जाता था, अंजलि अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती थी। एक दिन मैंने भी अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया, जब मैंने अपना फोन ऑन किया तो उसके साइड से एक मैसेज था, बहुत ही सीरियस थी, लगता था कोई प्रॉब्लम में है। लेकिन तभी मैंने अंजलि की मौत की खबर सुनी। गौरी, एक दिन जब मैं कहीं पर जा रहा था तो मेरी गाड़ी के सामने निखिल की गाड़ी आई। निखिल अंजलि का बहुत ही अच्छा दोस्त था। अंजलि के बारे में पूछने के लिए मैं निखिल को फॉलो करने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। बहुत देर बाद मैंने उसकी कार को फाइंड आउट किया जो किसी सुनसान रास्ते पर खड़ी थी। जब मैं उसकी कार के पास गया तो वहाँ पर निखिल की लाश थी, और फोन पॉकेट से निकालने के दौरान फार्मेसी की रिसीप्ट नीचे गिर गई। मैंने निखिल को नहीं मारा गौरी, मैंने किसी को भी नहीं मारा। लेकिन गौरी विनय की बातों पर यकीन नहीं करती। इस तरफ नंदा और सनी किसी जगह पर आते हैं सिगरेट पीने के लिए। तभी नंदा को ये बात पता चलती है कि एसपी ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स थे हॉस्पिटल के रिलेटेड, वो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, जिसका मतलब जॉन सैमुअल ने अपना पावर का इस्तेमाल करके उस डॉक्यूमेंट्स को गायब कर दिया। और एक और बैड न्यूज ये है कि जिस दिन निखिल मरा था उस रात विनय ही निखिल को फॉलो कर रहा था, और ये चीज सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई। इस तरफ जब जॉन सैमुअल एयरपोर्ट से अपने घर जा रहा होता है, एक अनजान बंदा जॉन सैमुअल को फॉलो करते रहता है अपने हाथ में गन लेकर। उसके बाद नंदा और सनी ये दोनों नंदा के घर आते हैं, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स आ चुके हैं कि विनय को गिरफ्तार कर ले। विनय इन दोनों को देखकर पहचान लेता है। सनी के साथ जाते जाते कहने लगता है कि ब्रो, मैंने किसी का भी कत्ल नहीं किया। विनय गिरफ्तार होने के बाद एसपी रेचल उस बंदे को कॉल करती है जो जॉन सैमुअल को फॉलो कर रहा था। वो बंदा और कोई नहीं, अंडरकवर पुलिस वाला होता है, जॉन की प्रोटेक्शन के लिए उसको फॉलो कर रहा था। उस पुलिस वालों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके बाद नंदा और गौरी ये दोनों ऐसे ही बीच के पास जाते हैं। मतलब बेचारी बहुत ही दुखी होती है ना, इसका भाई अरेस्ट हो गया। तभी जॉन सैमुअल प्राइवेट नंबर से नंदा को कॉल करता है। से कहने लगता है कि पहले तो मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि तुमने एक ऑफिसर मेरे साथ भेजकर मेरी जान बचाई और इस केस को फटाफट से सॉल्व भी कर लिया। मैं जानता हूँ तुम सारी स्टोरी जानना चाहते हो, केस ऑफ कैसे हुआ, चलो मैं तुमको बताता हूँ। मेरे ही हॉस्पिटल में अंजलि नाम की एक लड़की काम किया करती थी। उस लड़की को मेरे हॉस्पिटल के स्कैम्स के बारे में पता चल गया, कुछ डॉक्यूमेंट्स को हासिल कर लिया मीडिया में पब्लिश करने के लिए। ये बात जब मुझे पता चली तो मैं निखिल और टोनी को अंजलि के घर भेजा डॉक्यूमेंट्स को हासिल करने के लिए, लेकिन अंजलि ने उन डॉक्यूमेंट्स को उन दोनों को नहीं दिया, जिसकी वजह से निखिल अंजलि को मार दिया। घर की तलाशी लेने पर वो डॉक्यूमेंट्स उन दोनों को नहीं मिली।
अंजलि बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन डॉक्यूमेंट्स को छुपा के रखा। दूसरे दिन उसका भाई मार्टिन आया, वो भी मेरे रास्ते में कांटा बन सकता था, इसलिए मैंने टोनी को मार्टिन के पास भेजकर उसको मरवा दिया। उसके बाद मेरे रास्ते पर एक और कांटा आया, वही तुम्हारा ब्रदर इन ला विनय, लेकिन तुमने एंड टाइम पे उसको गिरफ्तार कर लिया, मेरी जान बचा दी। और इसी तरह तुमने अंजलि के घर में उन डॉक्यूमेंट्स को फाइंड आउट किया जो मेरे दो बंदों को नहीं मिले। अब तो उन डॉक्यूमेंट्स का नामो निशान नहीं रहा, इसीलिए नंदा मेरे ऊपर हाथ डालने से पहले 100 बार सोच लिया करो। फिर भी थैंक यू वेरी मच। जॉन की बातें सुनने के बाद नंदा कहने लगता है 21 ग्राम्स, बॉडी में जो आत्मा होती है उसका वजन। अब तुम अपने बॉडी से उस 21 ग्राम्स को लूज करने के लिए रेडी हो जाओ, पता नहीं सुबह तक तुम जिंदा रहोगे या नहीं। तभी जॉन की कार एक रास्ते पर आकर रुक जाती है। इसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और जॉन के कार के सामने ही वो पुरानी मॉडल कार खड़ी होती है। उस गाड़ी में से एक बंदा जॉन सैमुअल के पास आकर जॉन को मार देता है। इस तरफ नंदा गौरी से कहने लगता है कि गौरी विनय किलर नहीं है, विनय ने जो कहा वो सच है। जिस दिन विनय निखिल को फॉलो कर रहा था उसी दिन वो किलर भी निखिल को फॉलो कर रहा था। अंजलि को लैवेंजर्स फ्लावर्स पसंद है, ये सिर्फ अंजलि के चहेते लोगों के ही पता है, जैसे जिम्मी, मार्टिन, विनय और फादर जोसेफ। गौरी पूछने लगती है तो क्या फादर जोसेफ किलर है, वही रिवेंज ले रहे हैं? नंदा कहने लगता है नहीं गौरी। दोबारा गौरी पूछती है तो क्या जिम्मी किलर है, नंदा कहने लगता है जिम्मी टोनी से मुलाकात करता रहा और जिम्मी ये भी जानता था कि टोनी का पैर का एक्सीडेंट हुआ। उस वक्त जिम्मी ने टोनी की बहुत सारी हेल्प की थी और फादर जोसेफ को जिम्मी ने ही मार्टिन के पैर के एक्सीडेंट के बारे में बताया था। तो एक्चुअली गौरी जिस दिन मार्टिन मरा था उस दिन एक्चुअली मार्टिन नहीं मरा था, उस दिन टोनी मरा था। मार्टिन ने टोनी को मार के उसकी लाश को जला दिया। इस तरह से यह जबरदस्त सस्पेंस रिवील होता है कि मार्टिन ने ही इन सारे लोगों को मार के अंजलि का बदला लिया। इस केस में सस्पेक्ट और विक्टिम दोनों एक ही है, इसीलिए ये केस मेरे लिए अनसॉल्व केस है। दोस्तों सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, उस रात टोनी मार्टिन को मारने के लिए आया था, मार्टिन टोनी को मार दिया, जला दिया। अब टोनी के पैर को ऑलरेडी एक्सीडेंट हुआ था, उसके पैर में रॉड लगा था। मार्टिन टोनी को मारने के बाद जिम्मी से मुलाकात की, जो हुआ वो सब कुछ बता दिया। उसके बाद जिम्मी ने फादर जोसेफ के पास आकर ये बताया कि फॉरेन में मार्टिन का पैर का एक्सीडेंट हुआ था, उसके पैर को रॉड लगी थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को ये बात जरूर पता चलेगी। सो पुलिस वाले यही मानेंगे कि मार्टिन ही मरा, टोनी मिसिंग है। सो मार्टिन टोनी की गाड़ी लेकर ही उन सारे लोगों को मार दिया। उसके कुछ दिनों बाद सनी नंदा को कॉल करके ये बताने लगता है कि सर मैंगलोर के रास्ते पर कॉन्टेसा कार को देखा गया, जिसकी वजह से केस रीओपन हुआ। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।